नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज वापस बॉर्डर की चर्चा कर लेंगे। बॉर्डर में प्याज कितना गया, तेजी है कि नहीं है, कितना माल निर्यात हुआ। लेकिन किसान भाइयों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए ही बनाता हूँ और लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो देखिए, आज निर्यात, सबसे पहले निर्यात की बात स्टार्ट करते हैं कि निर्यात हुआ कितना है। तो देखिए, निर्यात की अगर बात करते हैं तो आज निर्यात में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। कल और परसों से ज़्यादा तेज़ी आज है और अच्छी तेज़ी है, और जो खबरें आ रही हैं तो ये तेज़ी आगे निर्यात में वापस बढ़ने ही वाली है, घटने वाली नहीं है। भाव की भी बात करते हैं तो भाव में जो मैंने बोला था MAP से ऊपर कंटिन्यू भाव चल रहा है, तो ये भाव शायद MAP से ऊपर कंटिन्यू चलते ही जाएंगे और ये रुकने वाले नहीं है। भाव कंटिन्यू ये तेज़ी के साथ में MAP से ऊपर चलेंगे ही। इसके अलावा अब आपको बता देते हैं भाव सबसे पहले और निर्यात कितना हुआ है वो बता देते हैं। तो 126 ट्रक जो है सभी बॉर्डरों को मिलाकर के निर्यात हुए हैं। और भाव की बात करते हैं तो नासिक का अच्छा प्याज जो है 71 रुपये से 75 रुपये के बीच में गया है। MP की बात करें तो 64 से 67 रुपये के अंदर गया है। साउथ का माल की बात करें तो 75 से 79 मतलब 75-79 रुपीज़ गया है। गुजरात की बात करें तो 73 से 74 गया है। नगर की अगर बात करते हैं तो 69 से 70 रुपए के बीच में गया है। तो इन भावों से आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पे तेजी है। एमईपी मतलब मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का किसी तरह का कोई असर नहीं है। प्याज के भावों में तेज़ी है, साथ में निर्यात, तो दो दिन पहले मुझे ऐसा लगा था कि निर्यात में भी कमजोरी आ सकती है, तो निर्यात में भी कोई कमजोरी नहीं है। निर्यात में वापस तेज़ी आनी चालू हो चुकी है और हम यही आशा करते हैं कि आगे और तेज़ी आए, चाहे वो भाव में हो या फिर निर्यात में हो। तो इस वीडियो में तो इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले भाव के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।